Once more. Oh God. एक बार मिला दे. You're my daughter and your baby. White girl, you dress me crazy. क्या बात है सर, क्या बात है सर. ओके कैसे गाइस, आशा करते बहुत बड़े होंगे. सो गाइस, आप लोगों ने प्रीव्यू देख लिया किस टॉपिक को टेटस होने वाला. धोनी जी का बर्थडे के ऊपर टेटस होने वाला. तो एक वीडियो मैंने बनाया था, तो आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिया और इसके अंदर जो एक डायलॉग काफ़ी ट्रेंडिंग में, तो मेरा यहाँ पे दो वीडियो बनाया था, तो आप लोग भी इन दोनों वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया. तो मैंने सोचा और एक इस टाइप का टेटस किसी भी सेलिब्रिटी एंड किसी भी टाइप का भी आप लोग बना सकते हो. तो ओ माय गॉड, तो अभी भी ट्रेंडिंग में है डायलॉग, तो मैंने इसे बहुत अच्छा खासा व्यू भी आ रहा है. तो मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोगों को एक और अलग टाइप का टेटस टू बता दूँ. तो इस टाइप का टेटस आप लोगों को एडिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को फुल एच करना पड़ेगा. वीडियो में जो कुछ भी मैटर वगैरह यूज़ करूँगा सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डायरेक्टली मैटर को डाउनलोड करना चाहते हो जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल में, जाओ वहाँ पर सारे मैटर का लिंक मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो लिंक नहीं कम करे तो टेलीग्राम चैनल में मेरा चैनल सर्च कर देना बिल टू एमटी, आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल मिलेगा. वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना और एलिमेशन को बिना वाटरमार्क का भी डाउनलोड कर सकते हो. पिन मार है तो आप लोग वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना. सो गाइस, इस टाइप का टेटस एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बल का बेल आइकन है तो उसको ऑल पे प्रेस कर देना पड़ेगा. वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना. सो गाइस, हम बिल टू अपलोड द बिल टू एमटेक चार्ज करेंगे, तो वीडियो को शुरू करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. ऑलराइट, इस टाइप का टेटस एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले एलिमेशन को आप लोग ओपन करना पड़ेगा. तो आप लोग ओपन कर लीजिए और आप लोगों को तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा. बोलते हो पासवर्ड कट नहीं करता है, तो आप लोगों को वीडियो को फुल एच करने के बाद ही पासवर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा और दिखा दूंगा कैसे आप लोग इंपोर्ट करोगे. तो जिन लोगों का प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं थे उन लोगों ने एक्सपीरियंस बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो. तो आप लोग भी कर लेना और वीडियो को फुल एच करना. तो ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट है, ओपन करके दिखाऊंगा. तो सिंपली प्रोजेक्ट पर टच करूंगा, उसके फर्स्ट आप लोग को एक म्यूजिक बिना प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको आप लोगों को जस्ट ओपन कर लेना पड़ेगा. तो मैं उसको ओपन कर लूँगा, ठीक है. तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने. मैं यहाँ पे ओपन कर लिया, तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का ऑडियो मिलेगा और यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर कुछ इस टाइप के लिरिक्स शो करेगा, ठीक है, और इसके अंदर इफेक्ट भी शो करेगा. उसके सिंपली आप लोगों को बैक टू बैक आप लोगों को धोनी जी का फोटो ऐड करना पड़ेगा. आगे आप लोग को यहाँ पे एक डायलॉग वीडियो ऐड करना पड़ेगा. तो वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो जो भी मेटल प्राइस करूँगा मैं दे दूंगा आप लोगों को, सिंपल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले वीडियो को ऐड कर लेते हैं. प्लस आइकन में टच करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, उसके सिंपल में हम लोग यहाँ पे ओपन करके जस्ट एक वीडियो क्लिप को सिंपली ऐड कर लेंगे. तो वही पुराना है वीडियो, तो अभी भी ये वीडियो काफ़ी वायरल है गाइस. तो आप लोग इस टाइप का टेटस एडिटिंग करके यूट्यूब में छोड़ोगे ना, लोगों का भी वीडियो वायरल होगा, ठीक है. तो यहाँ पर टच कर देना, ऐड हो जाएगा. उसका सिंपली इसको भी हम लोग लाइक ऊपर टच करेंगे, स्पीकर पे जाके इसको म्यूट कर देंगे, ऑडियो म्यूट हो जाएगा. ऑलरेडी इसके अंदर ऑडियो है तो म्यूट कर दिया मैंने. उसके अंदर बीट आइकन में टच इतना तक आ गए, इस आइकन में टच इसको कट कर देंगे. थ्री डॉट पे जाके इसको फील कंप्रेस एरिया हो चुका है, देख सकते हो. तो इतना तक लोग कम कर लेना पड़ेगा. उसके सिंपली यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट को लोग जस्ट ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है. तो उसके आगे चले जाना है, उसके सिंपली प्लस आइकन मीडिया, फिर से हम लोग यहाँ पे आके धोनी जी का कुछ फोटो को ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा. तो सिंपल मैं यहाँ से धोनी जी का दो तीन फोटो ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ. तो मैंने यहाँ पे चारों को ऐड कर लिया, प्लस एक मटा जैसे इसको ऐड कर लिया. सिंपल इसको ऐसे करके नीचे ले लेंगे, तो सिंपली लोगो मेरा शो करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है. तो हम लोग इसको लेयर के ऊपर टच करके एरो में टच करके बिटमार्क तक जाएंगे, इसे एक टच इसको कट करेंगे. थ्री डॉट पर जाकर इसको फिल कंप्लीट से ये कर देंगे. सिंपल इसको एडजस्टमेंट करने के लिए मूवमेंट पर जाकर इसको ऐसे करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हो. उसके बाद फिर से आप लोगों को दूसरे फोटो को जस्ट लेयर के ऊपर टच करके एरो में एक बार टच करना पड़ेगा. सिंपली मैम लेयर पेपर टच करके एरो में टच करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे बाद में, तो यहाँ पे आके इसको कट कर देंगे. उसके बाद भी थ्री डॉट पे इसको फिल कंप्रेस एरिया कर देंगे, हो चुका है. उसके सेम आप लोग इसको भी जस्ट इसको भी हम लोग सेम तरीके से कर देंगे, एरो में टच, फिर से थ्री डॉट, फिल कंप्रेस एरिया. तो ऐसे करके आप लोग जस्ट फोटो को सारे को ऐड कर लेना पड़ेगा. तो आप लोग कर लेना, बाद बाकी मेरा सारे फोटो एडजस्टमेंट है तो आप लोगों को तीन करके दिखा दिया. तो उसके बाद आप लोगों को इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा. तो आप लोग इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, तो सिंपली इसको बैक करना पड़ेगा. इसको हम लोग बैक करेंगे और आप लोग सबसे पहले एक और काम करना के लिए बोलूँगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आप लोग आ जाना, कहाँ पे गए, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से धोनी जी का फोटो शुरू हो रहा है. तो सिंपली प्लस आइकन मीडिया, उसके सिंपली दो पीएनजी आप लोग ऐड करना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ से एक शैडो वाले पीएनजी को ऐड करेंगे सबसे पहले, उसके देखो बर्थडे वाले पीएनजी को. तो सिंपली हम लोग शैडो वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं गाइस.
सिंपली सेट वाले पी एन जी को ऐड कर लिया यहाँ पे थ्री रोड पे जाके, सॉरी प्लस एक टच की, उसके बाद सिंपली इसको जितना तक वीडियो उतना तक लेंगे, लास्ट तरफ आके इस एक टच की इसको इतना तक ले लेंगे ठीक है। उसके सिंपली आप लोगों को लेने के बाद आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा लेयर के ऊपर टच करना पड़ेगा, उसके मूवमेंट पर जाके इसको ऐसे करके होल्ड करके नीचे आप लोग ऐसे करके रख देना पड़ेगा एक कोने की साइड ठीक है। उसके सिंपली छोड़ दीजिए, उसके बाद अभी आप लोगों को जस्ट क्या काम करना पड़ेगा, इसको सिंपली आप लोगों को इसके यहाँ पे आके आप लोग एक और पी एन जी ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मीडिया पे जाके हम लोग एक और पी एन जी को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आके एक पी एन जी को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो मैंने कर लिया। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको जितना तक वीडियो उतना तक ही लेंगे, सिंपली इस आइकन टच की ना तक ले लिया, उसके सिंपली मूवमेंट्स पे जाके इसको ऐसे करके रखेंगे और सिंपली इसको जूम आउट पे जाके इसको जूम आउट कर लेंगे और इसको आप लोगों को जस्ट यहाँ पे टच करके पोजीशन में रख देंगे ठीक है। इसके बाद सिंपली चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे और हम लोग इसको ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पे जाके लाइटिंग पे जाके स्क्रीन पे सिलेक्ट हो गया, देख सकते हो तो ब्लैक स्क्रीन हट चुका है। तो अभी हम लोग इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो अभी इफेक्ट को ऐड करते गए इसको बैक करके हम लोग इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को भी ओपन कर लेंगे, तो ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पाँच लेयर को ऐसे करके होल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसको बॉक्स अंदर टच करके इसको कॉपी फाइव लेयर कर लीजिए, मैंने फाइव लेयर कर लिया। उसके मेन प्रोजेक्ट को ओपन करके हम लोग यहाँ पे आके इसको पेस्टी पे कर देंगे, तो ऊपर का जो तीन लेयर है तीनों लेयर को हम लोग सिंपली सेम तरीके से यहाँ पे आके तीनों को मार करके इस आइकन टच की इतना तक ले लेना पड़ेगा, हो गया कंप्लीट। उसके बाद सिंपली फास्ट जो फोटो है लेयर के ऊपर टच करिए, इफेक्ट पे जाइए, थ्री डॉट पे इसको कॉपी कर लीजिए, उसके सिंपली इसको अभी डिलीट कर दीजिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इफेक्ट को कॉपी करने के बाद तो फास्ट फोटो जो आएगा इस फोटो के अंदर आप लोगों को इसको पेस्टी पे करना पड़ेगा ठीक है। और आप लोग कहीं पे भी इस डिपे को पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक जगह पे करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे दूसरे फोटो आने के बाद तीसरे फोटो के अंदर डिपे को पेस्ट करना पड़ेगा, हो चुका कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो एक इफेक्ट और बाकी है इसको आप लोगों को जस्ट कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फोटो तो लगा दिया इफेक्ट, दूसरे फोटो के अंदर भी इसको पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तीसरे फोटो के अंदर है, चौथे फोटो के अंदर आप लोग इजी पे करना पड़ेगा पांच नंबर के। उसके बाद सिंपली यहाँ पे छोटा छोटा बीट है, बीट के अकॉर्डिंग हम लोग को जस्ट फोटो को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं काम करना पड़ेगा। उसके सिंपली यहाँ पे एक बार, उसके बाद लास्ट में एक बार, तो ऐसे करके दोनों इफेक्ट को लगा देना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को वीडियो को सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे टच करिए, उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे टच कर दीजिए, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक इंटरफेस आएगा सेव बोल कर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस वीडियो फोन के आप लोगों का सेव हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को दिखा दूंगा पासवर्ड क्या है और प्रोजेक्ट को कहाँ से कैसे इंपोर्ट करोगे, तो पता नहीं है आप लोगों को प्रोजेक्ट पासवर्ड गलत मिलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ठीक है। तो इसको बैक करते गए, उसके बाद सिंपली मैं इसको टेलीग्राम चैनल में जाके मैं ओपन करता हूँ, तो सिंपली टेलीग्राम चैनल में जाके हम लोग इसको ओपन करके जस्ट लिंक को मैंने कॉपी करके रखा हूँ, तो लिंक को अभी पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे आके, पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको टच करेंगे ठीक है, लिंक ऊपर टच करने के बाद क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे जैसा, तो उसके बाद सिंपली अभी एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए पासवर्ड क्या है। पासवर्ड सिंपली आप लोगों को देना पड़ेगा 6565 दोनों बार दे देना, सबमिट पे टच कर देना, वेट करना पड़ेगा जस्ट 5 सेकेंड, आप लोगों को देखना 5 सेकेंड वेट करने के लिए बोल रहा है, आप लोगों का नेटवर्क फास्ट है, जल्दी से हो जाएगा। पासवर्ड गलत नहीं भाई, आप लोग वीडियो को नहीं देखते हो इसीलिए आप लोग गलत दिखा देता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे करके आ जाएगा इंटरफेस, देख सकते हो इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इंपोर्ट पर टच कर दूंगा, इंपोर्ट हो जाएगा आराम से उनके अंदर, देख सकते हो इंपोर्ट हो चुका है, तो ऐसे करके आप लोग इफेक्ट मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बगल का बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, इससे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कर देना, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, ऐसे लाइक कमेंट में कमेंट भी कर देना, और कुछ डाउट है कॉन्सेप्ट के बारे में तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।